एक और बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बालाघाट और छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे। बता दें, मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव पहली बार बालाघाट पहुंचे हैं, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी को संबोधित किया और फिर बालाघाट में भव्य रोड शो किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जगह जगह पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का लोगों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट में 771 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। ये सौगातें नए स्कूलों, सड़कों और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए हैं। शिलान्यास होने वाले कार्यों में 3 ऐसी इकाइयाँ हैं जिनका निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद जिले में रोजगार सृजित होंगे। इन इकाइयों के करीब 500 रोजगार प्रत्यक्ष रूप से सृजित होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, डबल इंजन की सरकार में चारों ओर विकास हुआ है। कोविड के समय में बालाघाट में भी बहुत दयनीय स्थिति थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जिम्मेदारी इस दौरान अच्छे से निभाई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने भी अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि चुनावों के समय जो वादे किए हैं वो सभी वादे पूरे होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि शिवरात्रि के चलते इस बार लाडली बहनों के पैसे जल्दी आएंगे। बालाघाट में जल्द ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आखिरी खबर पर आते हैं। 715 करोड़ के 29 नवीन निर्माण कार्य जिनके आधार पर मैंने भूमि पूजन किया, उसमें 150 करोड़ की लागत से पीवीसी इंसुलेशन इलेक्ट्रिक मिरकपुर एक फैक्ट्री बनने वाली है, उसका भूमि पूजन हमने किया है। ये गुडरू घाट में लगभग 300 करोड़ की लागत से इथेनॉल का नया प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन हुआ है। हम सब अभिनंदन करें इस बात का। 200 करोड़ की लागत से सिलिको फेरो अलाइज स्टील इकाई का निर्माण कार्य भी यहाँ शुरुआत की है। लगभग 12 करोड़ 51 लाख की लागत से कीनी, खुरमंडी, अमई, कोचेवाई, बकोड़ा इत्यादि स्कूल हाई स्कूल खोलने का यहाँ का भूमि पूजन किया। 2 करोड़ 17 लाख की लागत से तिरोड़ी मलाजखंड शासकीय महाविद्यालय का आज यहीं पर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है। 20 करोड़ 42 लाख की लागत से, अब नाम पढ़ूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, विभिन्न ग्रामीण सड़कों का भूमि पूजन भी यहीं संपन्न किया है। और 45 करोड़ की लागत से लगभग 45 विकास कार्यों का यहां पर आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 20 नल जल योजना। आप बताइए, हमारे भाई बहन गांव के अंदर वो नल से जल क्यों नहीं पी सकते? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने निर्णय किया, एक एक गांव में नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव के अंदर नल जल की इकाई स्थापित करेंगे। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर लगातार हॉस्पिटल की डिमांड है और हॉस्पिटल में लगभग 11 उप स्वास्थ्य केंद्रों के 14 करोड़ 83 लाख की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने माननीय मोदी जी का और मध्य प्रदेश सरकार का, जिसके माध्यम से हॉस्पिटल की सुविधा हमको मिलेगी, हेल्थ की सुविधा मिलेगी। 6 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण का काम भी आज लोकार्पित किया जा रहा है। जिन्होंने विपक्ष को भी गौरवान्वित किया, और जब सरकार चले तो सरकार भी ऐसी चले कि हाँ लगता था कि हमारी सरकार है। गरीब से गरीब आदमी के गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क बना करके एक तरह से सौगात दी है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यद्यपि कि सभी पुरानी सरकारों ने काम किया है, कोई सरकार खराब नहीं होती है, ये तो हम भाग्यशाली हैं। आजादी के बाद भारत में लगातार सत्ता के माध्यम केवल जनता है, जनता ने जिसको वोट दिया उसके आधार पर सरकार बनती आई, अन्यथा आप तो टेलीविजन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, बगल के पाकिस्तान और कई देश देख लो क्या हो रहा है वहां पे, कैसी हालत है। ऐसी हालत में भी अपने बलबूते पे सरकार बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से तो अपने देश के जनता ने एक नया संदेश दिया है। कोई सोच सकता था पहले 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी, वो भी कारण इंदिरा जी की असामयिक हत्या हो गई थी।
तो जनता गम में डूबी थी और एक झटके के साथ पूरा देश ने मिलकर के राजीव गांधी जी की सरकार बनाई। लेकिन धीरे धीरे बहुदली सरकार की आदत पड़ गई, हमारा लोकतंत्र कहीं किसको, लेकिन कुल मिला के सरकार हमारी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो 24 दलों को मिला के सरकार बनाई थी। अब आप बताइए 24 दलों को मिला के सरकार बना के चलाना कितना कठिन काम होगा। उसके पहले नरसिम्हा राव जी ने भी 11 दलों को मिला के सरकार बनाई। लेकिन बहुदलीय सरकारी व्यवस्था में कई सारी कठिनाइयां होती है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है जनता के बीच गुजरात के मॉडल के आधार पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया था, जनता के बीच वो गए।